अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। तो ये हमारा वाइवा था और मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी रूटीन कुछ इस तरह की चल रही थी और गर्मी में बहुत थी, फिर मेरा मोबाइल थोड़ा सा इशू कर रहा था तो उसकी वजह से मैं नहीं बना सकी थी। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया तो इस वजह से फिर मैं बना रही हूँ। वरना रिकॉर्ड मैंने वीडियोज़ करके रखी हुई थी काफ़ी सारी, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि मेरा यूट्यूब में ऑन करती थी तो मोबाइल बंद हो जाता था मेरा इस वजह से। और इस दिन हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश वाला मौसम हो रहा था लेकिन बारिश नहीं हुई थी। तो हमने कॉलेज में बिरयानी वगैरह मंगवाई थी, लेकिन मैं जब घर आई थी तो मम्मा ने भी मेरे लिए पुलाव ला के रखा हुआ था, ठीक है, तो मैंने ये घर में आके खाया था। और मुझे इस दिन बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हालाँकि मैं कॉलेज से बिरयानी खा के आई थी, घर आके मैंने ये खाया था और उसके बाद फिर मुझे दोबारा भूख लग गई थी क्योंकि खाना उस टाइम मतलब थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद मुझे दोबारा भूख लग गई थी। खाना रेडी था उस टाइम जब मैं घर आई थी, फिर मैंने बाद में खाना खाया था, ठीक है, आधी रोटी खाई थी लेकिन मुझे क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, थोड़ी भूख लग रही थी तो इस वजह से फिर मैंने आधी रोटी खाई थी। और उसके बाद बस फिर मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था और सो गई थी मैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद फिर हम लोग उठ के शाम को ताजा इधर आओ, रुको ताजर सबको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, पूछो सब कैसे हैं, पूछो ना आप सब लोग। हाँ चलें, आप लोगों ने ताजर को बताना कि आप सब लोग कैसे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद रात को मैंने मतलब उठी थी आराम करके, तो फिर मैं अपना लज़ानिया, मेरा दिल कर रहा था बनाने का तो मैंने भी लज़ानिया के लिए सारा कुछ सामान वगैरह रेडी किया था। आपको भी दिया था मैंने, आप भूल गए, दिया था आपको मैंने, आपने खाया था जब मैंने बनाया था। कब बनाया था? कुछ दिन पहले बनाया था। हाँ। इसने अच्छा खैर मैं वो आप लोगों को बाद में बताऊंगी इसकी क्या बात थी। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑयल वगैरह और सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी, फिर मैंने इसमें मसाले वगैरह जो मैंने इसमें ऐड करने थे स्पाइसेस वो सारे ऐड किए थे और अपना बना लिया था मैंने इसमें मसाला। मैंने चिकन ऐड नहीं किया था क्योंकि इसका ये थोड़े से स्पाइसी होते हैं, चंक्स होते हैं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है इस वजह से। और हुआ ये था अनफॉर्चुनेटली कि गैस चली गई थी और जिसकी वजह से मैं इसको बेक नहीं कर सकी थी, तो मैंने चीज़ इसके अंदर ही डाल दी थी और मैंने माइक्रोवेव कर लिया था, तो मैं ऊपर अगर मैं डालती तो वो फिर सही से बेक ना हो, मतलब बेक तो होता ही ना ना क्योंकि गैस चली गई थी, इस वजह से भी मैंने चीज़ अंदर ही डाल दी थी। तो एंड पे मे बी ऊपर से थोड़ा सा वेयर लग रहा होगा लेकिन टेस्ट वाइज बहुत मज़े का था ये, ठीक है। तो मैं इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर रही थी और उसके बाद मैंने ऑरिगैनो वगैरह इसमें ऐड किया था, सारा केचप भी ऐड किया था मैंने और एंड पे भी मैंने इसको निकाल लिया था। फिर मैंने व्हाइट सॉस के लिए रेडी किया था, व्हाइट सॉस रेडी की थी तो मेरी फिर टाइगर। अच्छा आप बताओ, आपके पेपर हो गए ना ख़त्म? मुझे बोलो हो गए। तो अब आप क्या कर रहे हो, आज क्या किया सारा दिन? खेलना है, टीवी देखना है। इसके ना पेपर्स ख़त्म हो गए हैं तो अब इसकी हो गई है समर वेकेशन और ये मस्तियाँ कर रहा होता है। अभी मेरी समर वेकेशन नहीं हुई, पता नहीं मेडिकल वालों को देते हैं या नहीं देते, और वैसे होंगी तो सही लेकिन मे भी थोड़ा सा लेट हो तो तब तक देखते हैं कब तक होती हैं। बाकी ये मैंने वाइट सॉस भी रेडी कर ली थी और ये मेरे दोनों चीज़ें सारी चीज़ें मतलब मेरी रेडी हो गई थी, मैंने इनको असेंबल करना था सिंपल। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज, गला वगैरह ख़राब है, फ्लू है तो बुखार भी है, उसकी वजह से सही नहीं बोला भी नहीं जा रहा। खैर ये देखिए, मैंने ऊपर इसकी चीज़ नहीं ऐड की थी क्योंकि बेक नहीं मैं कर सकती थी और फिर मैंने इसके अंदर ही ऐड की थी चीज़, बाकी टेस्ट वाइज बहुत मज़े का बना था। ताजा कोई बात बताओ, क्या कोई बात बताओ, आज क्या खाया आपने? आज चावल। कौन से? मम्मा ने बनाए थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम लोग ये मतलब खाने के बाद दिल कर रहा था कहीं बाहर जाने का, तो हम लोग वैसे ही थोड़ा बहुत चले गए थे सारा आइसक्रीम खाने, हम लोग ने आइसक्रीम खाई थी। गया था ना? हाँ जी, आप भी गए थे। अच्छा, मैंने ना चॉकलेट फ्लेवर लिया था, वो भी मज़े का था, लेकिन इसने ताजा ने लिया था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वो बहुत मज़े का था, तो मैंने ये सोचा था मैं नेक्स्ट टाइम मिल जाऊँगी ना। अम्मी का सबसे ज़्यादा मज़े का था वनीला। हाँ, अम्मी का वनीला था, वो ताजदार को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद आया था, तो मैंने सोचा था मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना तो फिर मैं स्ट्रॉबेरी ही लूँगी। फिर हम लोग घर आ गए थे, बस आज का व्लॉग यहीं तक है, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।